जींद में इनेलो प्रतिपक्ष नेता ब्लेसिंग चौटाला ने इनेलो कार्यालय का उद्घाटन किया। यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जींद विधानसभा उपचुनाव में इनेलो कार्यकर्ता तय करेंगे कि किसे मैदान में उतारा जाए। अभय चौटाला ने बांगर की राजनीति करने वाले नेताओं को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि सही मायनों में किसी ने बांगर का विकास किया है तो वह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया है। और 1994 के उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला नरवाना से जीते और फिर दोबारा नरवाना से ही चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। अभय चौटाला ने कहा कि आने वाले आम विधानसभा चुनाव तक ओम प्रकाश चौटाला के केस का फैसला आ जाएगा और एक बार फिर ओम प्रकाश चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि आने वाले समय में इनेलो के दो कार्यालय होंगे, एक शहरी और एक ग्रामीण, जो जींद की धरती की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम एक नहीं फिर दो दफ्तर, एक को शहरी दफ्तर बनाएंगे, एक को ग्रामीण दफ्तर बनाएंगे और दोनों दफ्तर से इस जींद की धरती की जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ एक बड़ी बात सारे जो राजनीतिक लोग हैं वो कहते हैं बारी बारी से कि मैं बांगर की चौधरी लेना चाहता हूँ, मैं जींद को राजनीतिक ताकत देना चाहता हूँ। उन लोगों से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस जींद जिले को सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत अगर किसी व्यक्ति ने दी तो उसका नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। नरवाना का उपचुनाव नरवाना के लोगों ने, जींद के लोगों ने चौटाला साहब को बड़े भारी बहुमत के साथ जिताया और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फिर नरवाना से चुनाव लड़के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दो जगह से चुनाव लड़ा था, रोड़ी विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दिया, जबकि सरसा उनका अपना गृह क्षेत्र है, वहां से इस्तीफा दिया। केवल जींद के लोगों को राजनीतिक तौर पे कहीं वो ये ना मान ले कल को कि ओम प्रकाश चौटाला तो केवल एमएलए बनने आया था, इसलिए उन्होंने जींद को महत्व दिया और जींद से ही उन्होंने 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रह करके जींद का नेतृत्व किया। आगे फिर आने वाले समय में जब विधानसभा के अगले चुनाव होंगे तब तक चौटाला साहब के केस का 100% फैसला हो जाएगा आम चुनाव और हम उस चुनाव में फिर उचाना से चौटाला साहब को चुनाव लड़ाएंगे और फिर जींद की चौधरी बरकरार रखेंगे। मांगराम गुप्ता से मुलाकात होती है, उसके क्या मायने निकाले जाएंगे? मेरी मुलाकात तो आपसे भी हुई है। जींद में उपचुनाव होगा, मैं सबके पास जाऊंगा। अपनी पार्टी के लोकल कार्यकर्ताओं के जुम्मे लगा रखी है बात कि आप आपस में बैठ करके तय करके हमें नाम बताओ, जिसका नाम आप लोगे हम उसे ही प्रत्याशी बना करके आपके बीच में खड़ा कर।